तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में 2023 यानी इस साल का कट ऑफ क्या जा सकता है, ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक क्या हो सकता है राउंड वन में और लास्ट राउंड तक, और जो स्टूडेंट लोग वेस्ट बंगाल के बाहर से बिलोंग करते हैं अदर स्टेट उनको कितना रैंक तक जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, और जो स्टूडेंट लोग होम स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए क्या कट ऑफ है। तो दोनों के ही बारे में बात करेंगे और साथ में भी बात करेंगे राउंड वन का और लास्ट राउंड का भी बात करेंगे। इससे आप लोगों का अंदाजा लग जाएगा कि आपको किस राउंड तक में कौन सा ब्रांच मिल सकता है, बाकी 2023 का मार्क्स वर्सेस रैंक क्या होने वाला है मोस्ट एक्सपेक्टेड, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके बात देख लीजिएगा। और इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और WBJEE के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जादवपुर यूनिवर्सिटी और WBJEE से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर आपको मिलेगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए आप सभी को ये बात पता होना चाहिए कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में 90% सीट जो है वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल स्टूडेंट लोगों के लिए रिजर्व रहता है, बाकी जो 10% सीट बचता है उसमें वेस्ट बंगाल के बाहर वाले स्टूडेंट लोगों का फाइट होता है आउटसाइड स्टेट वालों का, ठीक है। तो इसके हिसाब से कट ऑफ जो होता है अलग अलग होता है, ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ जो है अलग होता है और होम स्टेट डोमिसाइल का कट ऑफ का कोटा जो होता है अलग होता है, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग बात करेंगे, अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं तो आप लोग ऑल इंडिया कोटा में आएंगे, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा का, देन फिर इसके बाद बात करेंगे हम लोग होम स्टेट कोटा का, ठीक है। तो अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के बाहर के स्टूडेंट हैं तो आप लोग ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ है इसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। एक बात और आपको जानना चाहिए कि अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं और आप किसी भी कैटेगरी से हैं SC ST OBC PWD EWS कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जनरल में ही कंसिडर किया जाता है। अगर आपके पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तभी आपको SC ST OBC या PWD के लिए कंसिडर किया जाएगा, अगर वेस्ट बंगाल के बाहर से डोमिसाइल आपके पास नहीं है तो आप लोग जनरल कोटा में ही आओगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, ओके, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए जादवपुर यूनिवर्सिटी का सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच जो माना जाता है, जो सबसे टॉप पे आता है, जो सभी स्टूडेंट लोग को चाहिए होता है, राउंड वन का CSC का कट ऑफ की बात करें तो ओपनिंग वन से होता है और क्लोजिंग फाइव पे खत्म हो जाता है, मतलब सिर्फ मात्र 5 सीट मिलता है राउंड वन में। अगर आपका रैंक काफी अच्छा है, आप टॉपर हैं WBJEE एग्जाम में, तभी आपको CSC ब्रांच मिल पाएगा राउंड वन में, ठीक है। लास्ट राउंड का भी बात करेंगे, ठीक है। बाकी IT का आप लोग देख सकते हो 7 ओपनिंग रैंक है, वहीं पे क्लोजिंग रैंक 70 है, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि IT ब्रांच का जो फी है थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी ब्रांच का फी काफी कम है, लेकिन IT न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है इसलिए इसका फी थोड़ा ज्यादा है। केमिकल ब्रांच की बात करें तो आप लोग देख सकते हो 230 ओपनिंग रैंक है, वहीं पे 250 जो है क्लोजिंग रैंक है, वहीं पे सिविल ब्रांच का 250 ओपनिंग रैंक है और 470 क्लोजिंग रैंक है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की बात करें तो 570 जो है ओपनिंग रैंक है, 670 क्लोजिंग रैंक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 80 ओपनिंग रैंक है, वहीं पे 150 क्लोजिंग रैंक है। ETE यानी इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो 25 ओपनिंग रैंक है, वहीं पे 75 क्लोजिंग रैंक है। बाकी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आप लोग देख सकते हो 330 ओपनिंग रैंक है, वहीं पे 530 जो है क्लोजिंग रैंक है। फूड टेक्नोलॉजी की बात करें तो 400 ओपनिंग रैंक है और 600 क्लोजिंग रैंक है। सेम इसी प्रकार बायोटेक्नोलॉजी का 400 जो है ओपनिंग रैंक है और 550 जो है क्लोजिंग रैंक है। इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की बात करें तो 90 ओपनिंग रैंक है, वहीं पे 150 जो है क्लोजिंग रैंक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 120 जो ओपनिंग रैंक है और 230 जो है क्लोजिंग रैंक है। मेटलर्जी ब्रांच की बात करें तो 400 ओपनिंग रैंक है और 500 क्लोजिंग रैंक है। पावर इंजीनियरिंग की बात करें तो 400 ओपनिंग रैंक है, वहीं पे 600 क्लोजिंग रैंक है। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग की बात करें तो आप लोग देख सकते हो 400 जो है ओपनिंग रैंक है, वहीं पे 700 क्लोजिंग रैंक है। और ये कट ऑफ आपका राउंड वन का है, लास्ट राउंड का भी बात करेंगे, मगर उससे पहले की इंपॉर्टेंट बात, देखिए कई बार क्या होता है कि आपके रैंक पे आपको बेस्ट ब्रांच मिल सकता था लेकिन नहीं मिल पाता है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, शायद आप भी उसमें से हैं, जो न्यू है, जो फर्स्ट टाइम WBJEE एग्जाम दिए हैं, उनको काउंसलिंग में उतना नहीं पता कि कैसे काउंसलिंग किया जाता है, कैसे चॉइस फिलिंग किया जाता है, तो लोग बाई चांस गलती कर देते हैं। काफी सारा गलती होता है चॉइस फिलिंग में, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनको पता ही नहीं कि कौन कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है जो सभी स्टूडेंट लोग को मिलता है, जहाँ पे वेस्ट बंगाल की और वेस्ट बंगाल के बाहर के स्टूडेंट लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन कौन कौन सा राउंड काउंसलिंग होता है ये सब नहीं पता होता है। तो इस बार हम लोग प्रॉपर गाइड करने वाले हैं आपको, हम लोग आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज देने का कोशिश करेंगे, हम लोग A to Z आपका काउंसलिंग में हेल्प करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिले, उसमें एक अच्छा ब्रांच मिले। तो इसके लिए आपको गूगल फॉर्म फिलअप करके रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन चार्ज हम लोग ओनली 499 रुपीज़ कर रहे हैं, जो कि आप लोग के लिए बिल्कुल अफोर्डेबल है, आपको एक अच्छा कॉलेज दिलवाने का काम करेंगे, A to Z काउंसलिंग में सपोर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले, तो आप लोग इसको बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका राउंड वन का कट ऑफ जादवपुर यूनिवर्सिटी का ऑल इंडिया कोटा का। अब बात करते हैं लास्ट राउंड का कट ऑफ क्या है, तो देख सकते हैं आप लोग ऑल इंडिया कोटा के लास्ट राउंड के कट ऑफ की बात करें तो CSC ब्रांच का ओपनिंग जो 69 है, वहीं पे 100 पे क्लोज हो जाता है। IT ब्रांच का 160 ओपनिंग रैंक है, 180 में क्लोज हो जाता है। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 300 ओपनिंग रैंक है, वहीं पे 484 में क्लोज हो जाता है। सिविल इंजीनियरिंग का आप लोग देख सकते हो 400 ओपनिंग रैंक है, वहीं पे 487 जो है क्लोजिंग रैंक है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की बात करें तो 500 ओपनिंग रैंक है, वहीं पे 670 जो है क्लोजिंग रैंक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 196 ओपनिंग रैंक है, वहीं पे 323 जो है क्लोजिंग रैंक है। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो 110 इनका ओपनिंग रैंक है, वहीं पे 170 में ये खत्म हो जाता है, मतलब क्लोज हो जाता है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करें तो 400 ओपनिंग रैंक है, वहीं पे 600 में ब्रांच क्लोज हो जाता है। फूड टेक्नोलॉजी 668 ओपनिंग रैंक है, वहीं पे 710 में ब्रांच क्लोज हो जाता है। बायोटेक्नोलॉजी का 600 ओपनिंग रैंक है, वहीं पे 715 में क्लोज हो जाता है। इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की बात करें तो 180 ओपनिंग रैंक है, वहीं पे 365 जो है क्लोजिंग रैंक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 220 ओपनिंग रैंक है, वहीं पे 380 जो है क्लोजिंग रैंक है। मेटलर्जी इंजीनियरिंग की बात करें तो 490 ओपनिंग रैंक है, वहीं पे 580 जो है क्लोजिंग रैंक है।
पावर इंजीनियरिंग का 540 ओपनिंग रैंक है, वहीं पे 600 क्लोजिंग रैंक है। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग का 600 जो है ओपनिंग रैंक है, वहीं पे 700 क्लोजिंग रैंक है। तो ये था आपका ऑल इंडिया कोटा का लास्ट राउंड का कट ऑफ। अगर आपका रैंक इसके अंदर है तो काफी ज्यादा चांस है कि आपको कोई ना कोई ब्रांच में जादवपुर यूनिवर्सिटी एडमिशन मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है तो बाकी अदर गवर्नमेंट कॉलेज में मिल सकता है। तो अगर आपका रैंक इसके अंदर नहीं है तो आप लोग कोशिश करना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें आप लोग जाके गूगल फॉर्म फिल कीजिएगा और रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। 499 जो हम लोग चार्ज कर रहे हैं, जो कि आप लोग के लिए बिल्कुल अफोर्डेबल है, अफोर्ड कर सकते हो। हम लोग A to Z सपोर्ट करेंगे आपका, और आपको आपके रैंक अकॉर्डिंग जिस टाइप का ब्रांच में जिस टाइप का कॉलेज चाहिए होगा, गवर्नमेंट या प्राइवेट, जो आपको पसंद होगा, हम लोग बेस्ट कॉलेज में आपका एडमिशन करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं होम स्टेट कोटा का राउंड वन की कट ऑफ। तब लोग देख सकते हो सीएससी ब्रांच ने कंप्यूटर साइंस ब्रांच का कट ऑफ जो है ओपनिंग रैंक 6 है, वहीं पर क्लोजिंग रैंक 65 है। आईटी ब्रांच का ओपनिंग रैंक 70 है और क्लोजिंग रैंक 210 है। केमिकल इंजीनियरिंग का 380 ओपनिंग रैंक है एंड 815 जो है क्लोजिंग रैंक है। सिविल इंजीनियरिंग का 545 ओपनिंग रैंक है, वहीं पर 1240 जो है क्लोजिंग रैंक है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का 1240 ओपनिंग रैंक है, वहाँ पे 1610 जो है क्लोजिंग रैंक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 150 ओपनिंग रैंक है, वहाँ पे 365 क्लोजिंग रैंक है। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, 70 जो है ओपनिंग रैंक है, वहाँ पे 215 जो है क्लोजिंग रैंक है। और ये जो कट ऑफ है जनरल कॉलेज स्टूडेंट लोग है, ठीक है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ ज्यादा लाने वाले हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। बाकी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करो 600 जो है ओपनिंग रैंक है और 900 जो है क्लोजिंग रैंक है। फूड टेक्नोलॉजी की बात करो 950 जो है ओपनिंग रैंक है, वहाँ पे 1785 क्लोजिंग रैंक है। बायोटेक्नोलॉजी की बात करो 950 ओपनिंग रैंक है, वहाँ पे 1785 जो है क्लोजिंग रैंक है। इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की बात करें तो 240 ओपनिंग रैंक है, 415 जो है क्लोजिंग रैंक है। मैकेनिकल इंजीनियर की बात करें तो 260 जो है ओपनिंग रैंक है, 590 जो है क्लोजिंग रैंक है। मेटलर्जी इंजीनियरिंग की बात करें तो 600 ओपनिंग रैंक है, वहाँ पे 1200 जो है क्लोजिंग रैंक है। बाकी पावर इंजीनियरिंग के 585 जो है ओपनिंग रैंक है, वहाँ पे 1201 जो है क्लोजिंग रैंक है। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग की बात करें तो 1000 जो ओपनिंग रैंक है, वहाँ पे 1790 जो है क्लोजिंग रैंक है। तो ये आपका होम स्टेट का राउंड वन का ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक ब्रांच वाइज। और लास्ट राउंड का डाटा अभी हमारे पास नहीं है, मतलब 2022 का ना ऑफिशियल डाटा अभी तक आया नहीं है, तो इसलिए लास्ट राउंड का नहीं बना पाए हैं। जैसे डाटा आ जाता है हमारे पास वैसे बना के बता देंगे। और कैटेगरी वाइज भी बताने वाले हैं, तो आप लोग चैनल पर नया आए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग पेड काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, 499 चार्ज है, आप लोग बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हो। और साथ में डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन हो जाएगा, आप लोग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो वीडियो कहीं खत्म करते कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।